on this one. And but also on his other channel, which is Carry Live, he also has a lot of interest in gaming. And with PUBG, he's done so much content around it. So today we're going to actually talk to him more about knowing about what he, the kind of work that he does, the kind of work that he enjoys. He and I were having a really interesting conversation behind the stage. So, Carrie, let me start by asking you, how did YouTube come to happen for you? After 12th, ऐसा क्या आपको लगा कि YouTube का चैनल बनाना है, एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट फॉर यू? एंड व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग कैरी मिनाटी और द कैरी मिनाटी अवतार दैट केम टू हैपन ऑन YouTube? मैम, पहले तो आपके लिए तालियां। इतना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया है। ये पहली बार मैं सुनता हूँ किसी को इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देते हुए। हमेशा लोग ऐसे तीन चार लाइनें बोलते हैं, चल भाई अब तुम्हारी बारी बोलने की। बट आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। मेरी एक्चुअली यूट्यूब करने का दिमाग में मेरे बहुत पहले से था। आई थिंक जब मैं अराउंड मैं मेरी फर्स्ट वीडियो थी इन 2009 और 2010, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। बट उसी साल के बीच में मैंने पहली वीडियो डाली थी, और तब ऐसी था ऐसा सीन था कि अब किसी को व्यूज नहीं पता थे क्या होते हैं, लाइक्स नहीं पता थे क्या होते, कमेंट्स क्या होते नहीं पता थे। बस एक प्लेटफॉर्म था जहां पर तुम वीडियोस डालो और देखो। बहुत ही रॉ और अनपॉलिश सी वीडियोस जाती थी तब। एंड तब मेरे अंदर ये कीड़ा नहीं था कि मुझे YouTube करना है, बट मेरे अंदर ये कीड़ा था कि जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे को उसे रिकॉर्ड करना है और उसे सेव करना है कहीं। इट्स नॉट कि कहीं डालो और व्यूज आए। तो मैंने ऐसी पता नहीं कुछ बहुत वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें मेरे जब तक मेरे को पता ही नहीं था कि व्यूज और लाइक्स भी कुछ चीज होती है। तो उससे पहले मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रहा था कि मैं ही देखे जा रहा हूँ तो बार 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 बार। तो आई थिंक जब YouTube थोड़ा बहुत इंडिया में तो इतना फटा नहीं था, बट जब वेस्ट में काफी फटा था अराउंड 2010-11 के बीच में, तो तब से मैंने YouTube रेगुलरली देखना चालू किया। मैंने बहुत सारे वेस्ट के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उस टाइम जो थे, तो उनको काफी देखा मैंने, और मतलब ऑलमोस्ट रोज ही देखता था, और मैं सोते सोते भी उन्हें देख के सो जाता था, लाइक अ प्रॉपर फैन बॉय जैसे होता है YouTube का। तो यही ऐसी शुरुआत थी। एंड देन आई गेस इन 10th मैंने सोचा था कि मैं मेरे को ना यार 10th नहीं सॉरी 8th था, आई वाज इन 8th जब मैंने सोचा कि मेरे को एक चैनल खोलना है सीरियसली। उससे पहले भी मैं वीडियोस बना रहा था, बट इट वाज लाइक कि ऐसे किसी कोई रिश्तेदार आ गए घर में, ठीक है, दूर से आए हैं, तो उन्होंने कोई गिफ्ट विफ्ट दे दिया, कैमरा दे दिया छोटा सा, अब उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। बट मेरे को सीरियसली करने का मन था 8th के बाद। तो मैं जब स्टार्ट कर रहा था, मेरे दिमाग में ये था कि बस कुछ भी करके ना एक पीसी चाहिए मुझे जिससे क्या कहते हैं मैं रिकॉर्ड कर सकूं ढंग से और बढ़िया वीडियोस बने। और गेमिंग में ही इंटरेस्ट था मेरा जनरली, कंटेंट वाइज भी मैं गेमिंग क्रिएटर्स ही देखता था। तो मैंने सोचा ऐसा ही कुछ करते हैं। अब वो सोचते 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 आई थिंक 2 साल बीत गए, ठीक है, 2 साल में अपने पापा मम्मी दोनों के पीछे पड़ा रहा कि मुझे पीसी दिलवा दो, मुझे पीसी दिलवा दो, एक पीसी दिलवा दो यार, मेरे को ये चीज करनी है। और उनका हमेशा ऐसे रूटीन की उन्हें पता है कि मेरे को कोई चीज पसंद आती है, थोड़े दिन उस चीज का भूत रहता है, फिर मैं छोड़ देता हूँ उसे। तो उन्हें उन्हें भी वही लगा कि वही चीज है, ये इतना मोटा खर्चा करवाएगा, उसके बाद 4-5 दिन गेम खेलेगा और गेम ही खेलता रह जाएगा, और फिर छोड़ देगा, खत्म, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो लेकिन फिर 2 साल, अब इंसान कोई बच्चा पीछे पड़ रहा है तो कैसे होगा। फिर जैसे तैसे जाके मेरी मम्मी ने हाँ बोला कि इसको दिलवा दो। तो मम्मी का बहुत बढ़िया रोल था उसमें। मतलब आई वुड से कि मम्मी और जो पापा हैं, तो मम्मी तब भी थोड़ा ज्यादा वेट ले जाती है डिसीजन में, तो मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब आई वुड से पीसी दिलवाने में एंड एवरीथिंग मम्मी ने बहुत साथ दिया मेरा। तो सो दैट्स दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर मेरे को पीसी मिला, ठीक है, पापा ने दिलवाया, ठीक है, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि अब दिलवाना है, तो मम्मी ने कह दिया तो दिलवाना पड़ेगा, मम्मी ने फुटपाप लगा दिया है तो करना ही पड़ेगा। आया, उसके बाद मैंने शुरू किया, तो वही गेम प्ले वाले छोटे मोटे वीडियोस, तो वही गेम प्ले वाले वीडियोस बनाता था। एंड उसके बाद धीरे 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 इवॉल्व कर करके नाउ इट्स 2021, और आज भी मेरे पास वही कमरा है जहाँ मैं पहले बना रहा था, और उसी में मैं बनाता हूँ। ऐसा एज 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 सच आई वुड से कोई फर्क है, मैंने अभी तक
वेबकैम भी अपना नहीं बदला है, जो मैं पहले बनाता था मैं उससे ही अभी भी बनाता हूँ। मेरे को लगता है थोड़ा सा वो सुपरस्टिशन भी है मेरा, और प्लस थोड़ी फील की भी बात है कि वो उससे फील है, तो मैं वो चीज नहीं छेड़ता। या So, I mean, but you know, आपका success is phenomenal. I mean, given the number of subscriber you have, and you, आपको तो अब, so you are one of the highest subscribe audience that you have in India for YouTube. तो given the fact कि आपने इस वहां से जहां से इतना humbly start किया और आज इतना बड़ा, you know, आपका audience gather किया और आपका channel is so popular, what is it that has changed for you during this duration? I know webcam तो नहीं बदला है. और जहां बनाते वो भी नहीं बदला, बट ओवरऑल यू नो हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड अराउंड यू, पीपल जो जैसे आपको अप्रोच करते थे वर्सेस हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, अब ब्रांड्स आपको कैसे अप्रोच करते हैं, यू नो हाउ डू यू नाउ, उस टाइम पे शायद आप कंटेंट को बहुत रैंडमली सोच के बनाते होंगे, लेकिन अब यू प्रोबेबली क्यूरेटेड अ लॉट मोर, तो हाउ हैज दैट शिफ्ट हैपेंड फॉर यू? आई वुड से कि जैसे जब मैं पहले बनाता था तब इतनी अटेंशन नहीं थी, आई वॉज मोर, मतलब मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम थी जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ। और मैं बहुत ही, मतलब बचपन से शायर हूँ, तो मेरे को कैमरा ने एक बहाना मिल जाता है कि मैं जैसा भी चाहता हूँ ना वैसा मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ, या फिर जैसा भी मैं चाहता हूँ दिखना मैं वैसा दिख सकता हूँ। तो एक वो बहुत सही चीज़ लगती थी मेरे को, तो मैं बस उसी के पीछे की कैमरा है तो जो कर दिया कर दिया, बस बाद में सोचेंगे, मजा आ रहा है कर दिया। अब थोड़ा मजा भी आ रहा है लेकिन देखना भी पड़ता है कि ऐसे गलत चीज ना चली जाए कि यार फिर उसके बाद कोई ऑफेंड हो गया, ये हो गया, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट आप ओकेजनली तो रोस्ट आई किंग हो, आपको कैसे ऑफेंड होनेगा आप सोचते हो? डोंट नो सम आई मीन वो बात है ना, वो पॉलिटिक्स अलग चलती है लोगों की कि उन्हें कैसे बातें घुमानी है, बातें घुमाने वाली बात है। सो थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान रखना पड़ता है अब। और पहले काफी मैं ओपनली ऐसे बाहर जाता था, मतलब वैसे इतना बाहर जाता नहीं था, मैं घर पे रहता था, पर जाता था तो ऐसे चले गए कहीं पर भी, कैसे भी चले गए कोई दिक्कत नहीं, मैं बॉक्सर में चला गया। तो अब बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है, मतलब आई वोंट से कि ये एज सच कुछ कर्स वर्स है, बट इट्स अ ब्लेसिंग टू, बट इट्स अ कर्स एट द सेम टाइम। कि जैसे अब कहीं बैठा हूं मैं तो लोग देख रहे हैं, तो मास्क पहनो, ये आया है कि हमें बाहर, तो ये थोड़ी बहुत सी चीजें हैं जो चेंज हुई है। आई थिंक रही बात कि क्या कहते हैं, कंटेंट एवोल्यूशन हुआ है, पहले सिर्फ मैं गेम प्ले बनाता था, स्क्रिप्ट भी चलती है, क्या कहते हैं डायलॉग बाजी भी है उसके अंदर, एडिटिंग भी है, काम है, तो कंटेंट वाइज काफी एवोल्यूशन हुआ है। क्या, हेलो कैन यू हियर मी, या आई कैन हियर यू, थोड़ा हेलो, आपका आवाज कट रहा है, बट अदरवाइज वी कैन हियर यू. कैन अजय, आई थिंक अजय हैज हैड अ बैड कनेक्शन, सो ही विल प्रोबेबली बी जॉइनिंग अस सून. व्हाट एन इंटरेस्टिंग हेलो, जर्नी. या अजय, वी कैन, आई वाज एक्चुअली एबल टू हियर यू अर्लियर आल्सो. So you ओह were सॉरी telling us. सॉरी, यू जस्ट फ्रोज ना, सो आई थॉट कि अब मैं, मेरा शायद इंटरनेट वो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवे, वेयर वाज आई, You now a little more careful. आप बाहर कैसे जाते हैं और आप या ठीक है? एग्जैक्टली, तो वही सारी चीजें आई थिंक जो बेसिक है, और ऐसा नहीं है, आई थिंक सबसे चीज अभी तक जो है वो चीज है जो कनेक्शन है लोगों का, मेरा और लोगों का जो कनेक्शन है वो अभी तक वही है जो पहले था, जो दोस्त वाली फीलिंग है, जो भाई वाली फीलिंग है, जो यार वाली फीलिंग है, अभी भी वही है, दे फील कंफर्टेबल विद मी। और उससे बढ़िया चीज कोई हो नहीं सकती कि उन्हें भी लगता है कि उनके जैसा एक और है। तो आई बिलीव कि जब तक लोगों का प्यार है, जब तक लोगों का साथ है, जब तक दे कैन सी देमसेल्व्स इन मी, तब तक हम भी ये चीज करते रहेंगे, हम कंटेंट बनाते रहेंगे, हम लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, बाकी तो लोगों के ऊपर ही है उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है। तो आज आप ब्रांड्स के साथ कैसे काम करते हैं? यू नो आपकी टीम कितनी बड़ी है? सो यू नो हाउ बिग अ टीम दैट यू हैव व्हिच हेल्प्स यू विद कंटेंट क्यूरेशन, या आपको जो अपना बाकी सोशल मीडिया प्लानिंग करना होता है, तो किस तरह से तो आपका? आई थिंक हम, हमारा जैसा हिसाब है राइट नाउ,
हाँ हमारे पास इतने लोग नहीं है, लाइक मेनली कंटेंट का जितना भी हिसाब किताब रहता है मोस्ट ऑफ इट मैं ही देखता हूँ, राइटिंग एडिटिंग शूटिंग ये सब वो सब, ये आई थिंक ऑब्वियसली क्योंकि वही सेम इंडिपेंडेंटली चालू किया था मैंने अभी तक, तो वही चीज़ है तो इतनी कोई इतना कोई स्ट्रेस नहीं आता है। रही बात जैसे बाहर के शूट्स होते हैं, कोई स्किट शूट करनी है सो वी हैव अ गाय फॉर दैट, उसकी एक टीम है। एंड देन जो गेमिंग चैनल है उसके लिए हमारे पास एक टीम है जो डेडिकेटेडली रोज थंबनेल्स बनाती है और रोज वो क्या कहते हैं हाईलाइट जो बनती है स्ट्रीम्स की वो एडिट करके डालते हैं। एंड ओवरऑल आई वुड से वी हैव अराउंड वेट 1 4 पीपल, हमारे पास 4 लोग हैं और फिर बिजनेस मेरे कजन ब्रदर है जो कि मेरे मैनेजर भी है, उनका नाम है दीपक चार, तो वो हैंडल करते हैं वो सारा। तो हम एक्चुअली क्या होता है ना हमारा बहुत ही ऐसे क्या कहते हैं फैमिली वाला सीन है, तो जो भी डिसीजन लेना है चाहे उन्हें कोई डिसीजन लेना है मुझे कुछ अपने कंटेंट वाइज डिसीजन लेना है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, फीलिंग अच्छी आती है घट जो कह रहा हम वो कर लेते हैं। हमारा ऐसे प्रॉपर कोई फॉर्मल सीन नहीं है बट आई नो कि वो आगे जाके डेवलप करना पड़ेगा और वो होगा आगे चल के, बट अभी का जो टाइम है ना ये कैजुअली जो चल रहा है आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस। नो एंड आई थिंक आप तो बूटस्ट्रैप्ड बिज हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ इफ यू एंड यू बीन एबल टू अचीव सो मच सक्सेस बीइंग सच अ स्मॉल एंटिटी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो विच इज वेरी गुड. और अगर आप देखें आप बढ़ाएंगे तो कितना और बढ़ जाएगा. तो आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी कुछ कॉन्टेंट बनाते हैं? करेंटली नो बट आई थिंक थ्रू म्यूजिक वो हो सकता है, लाइक आई वोंट से अभी इतनी प्लानिंग हुई नहीं है बट आई वोंट से ऐसे कि मैं इंग्लिश में गाना स्टार्ट कर दूंगा, इंग्लिश में रैपिंग स्टार्ट कर दूंगा वो नहीं, बट इट्स लाइक कि वो वाले गाने नहीं होते कुछ जो किसी भी भाषा में होते हैं बस पसंद आते हैं, तो मेरे को वैसा कुछ जोन रखना है एंड विच विल हैपन अभी नहीं, अभी आई राइट नाउ आई थिंक अभी लैंग्वेज बैरियर है बहुत जोर से लैंग्वेज बैरियर है, बट मे बी इन फ्यूचर आई एम नॉट श्योर नॉट येट, आई डोंट नो हाउ विल आई डू इट एंड हाउ शुड आई डू इट, क्योंकि उनका जो कल्चर है वर्सेस जो हमारा कल्चर है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है एंड दी ओनली कॉमन लैंग्वेज बिटवीन देम एंड मी राइट नाउ इज बॉडी लैंग्वेज, तो अगर कुछ बॉडी टाइप ह्यूमर बॉडी लैंग्वेज वाला ह्यूमर कुछ हो सकता है तो मे बी वो उन्हें पसंद आए, बट उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज कि मेरे को वहां जाना पड़ेगा उन्हें समझना पड़ेगा कि वहां का कल्चर कैसा है कैसे हैं लोग उनके लिए क्या ह्यूमर है उनके लिए क्या ह्यूमर नहीं है उन्हें क्या चीज से ऑफेंड होते हैं किस चीज से नहीं होते हैं। मी ग्रोइंग अप इन इंडिया हमें बचपन से पता है कि कैसी क्या चीज है क्या नॉर्म्स है सब कुछ है, तो वो एक बार जब एक्सप्लोर कर लूंगा मे बी तब मैं ज्यादा इस पे बता पाऊंगा बट अभी के लिए तो आई एम नॉट श्योर। एक हमारे व्यूअर इज आस्किंग कि आपका नाम कैरी मिनाटी कैसे पॉपुलर हुआ और ये कैसे ओके नाम सोचा आपने? मैं तब 15 साल का था, उससे पहले मेरा नाम था कैरी दियोल, तो मैं क्या करता था सनी ये क्या कहते हैं काउंटर स्ट्राइक एक गेम है उसमें मैं सनी दियोल की आवाज निकालता था और लोगों के ऐसे रिएक्शन लेता था रिकॉर्ड करता था कि मैं सनी दियोल की आवाज निकाल रहा हूँ ओए ये करके, तो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं तो वही चीज को रिकॉर्ड करके डालता था, तो कैरी दियोल ही रख दिया था मैंने नाम अपना। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही बैठे आई रिमेम्बर कि ये मैं पता है बहुत बार भूल जाता हूँ, थैंक गॉड मुझे याद आ गया, मैं फेसबुक पे था ठीक है ऐसे लोग मैं कमेंट्स पढ़ रहा था पोस्ट के ये वो, तो मैंने एक किसी ने लिख रखा था ऐसे कैरी मिनाटी, तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा सही लग रहा है, तो इसके पीछे ऐसा कुछ रीजन नहीं है, मैं 15 साल का बस बच्चा था जिसे कूल बनना है तो इसलिए कैरी मिनाटी काफी कूल नाम लग रहा था मुझे तो मैंने रख लिया। अब लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कैरी मिनाटी सुन के कि ऐसे कोई अंग्रेजी इंग्लिश बेबी होगा जिसकी नीली आंखें होंगी, बट जब उन्हें ये दिखता है वो थोड़ा सा हो जाते हैं डिसअपॉइंट, कोई बात नहीं इतना कोई फर्क नहीं है तब भी कॉन्टेंट बोलता है शक्ल से तो इतना कोई सीन है नहीं, तो हाँ ऐसे ही रखा था मैंने जस्ट वॉन्टेड टू। भगवान ने तो शक्ल भी अच्छी दी है, सो यू ब्लेस्ड देयर. सो मच मैम थैंक यू सो मच। सो देयर आर सम डेलीगेट्स हु आर आस्किंग अस मोर क्वेश्चंस दैट डू यू थिंक एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू इवॉल्व एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर, पर्टिकुलरली एज एन इन्फ्लुएंसर आप कैसे इवॉल्व करते हो? आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल कि तुम इवॉल्व करोगे ही करोगे, इट्स लाइक कि अगर तुम अपने आप को तुम्हें क्या करना है ना तुम्हें अपने आप को बहने देना है, तुम अपने आप इवॉल्व करोगे, तुम्हें उसमें इतने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें बस अपने आप को रोकना नहीं है कि अरे मैं तो पहले ये करता था, अब मैं ये करने जा रहा हूं तो यार ये तो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, तो आई शुड नॉट डू इट, आई शुड मे बी मैं उसी पे ही रहूं तो ज्यादा सही रहेगा. डोंट डू दैट, अपने आप को खुला छोड़ दो. जहां तुम्हारा डायरेक्शन कह रहा है ना मुझे इस चीज में मजा आ रहा है, वो चीज करो, एज सिंपल एज दैट. लोगों को तभी मजा आएगा जब तुम्हें मजा आ रहा है. तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो वो तुम्हारा काम बन गया, और अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो तो जो तुम्हारा बेसिक एम है कि तुम्हें अपनी लाइफ में मजे मारने, वो तो वहीं का वहीं खत्म हो गया. तो वही करो जो तुम्हारा मन कर रहा है, एंड जस्ट फ्लो, बी वॉटर. ब्रूस ली का कोट है ना ये, क्या बी लाइक वॉटर मैन, हाँ ऐसे कुछ है. हाँ सो ब्रूस ली वाला वही. So somebody is asking that how did you foray into music from with gaming and with other content, comedy content that you do? So how did music come to happen? सो जैसे गेमिंग में क्या है, गेमिंग कह रहा हूँ मैं, कंटेंट क्रिएशन में क्या है, वीडियोस में एक पर्सनालिटी बाहर आती है मेरी, ठीक है, वो कंटेंट क्रिएशन के टाइम ही आती है, वो अलग है वर्सेस जब म्यूजिक, म्यूजिक बहुत डिफरेंट चीज है. आई थिंक 2018 की बात होगी, तो क्या हम क्या करते थे, मैं और मेरा दोस्त ना बचपन से ही हम यही करते थे कि ऐसे बीट्स चला दी तो हम फ्री स्टाइल कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट हैविंग फन. हम कुछ ऐसे मेन ऐसे नहीं करना कि हमें राइम करना है, कुछ करना है, वी आर जस्ट हैविंग फन कि एक दूसरे की झंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे वैसे मस्ती कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, बीट्स चला के पीछे. तो आई थिंक काफी साल करते 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 फिर आई थिंक 2018 में मेरा जो भाई था, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था म्यूजिक पढ़ने. तो तब उस टाइम क्या हुआ कि मैं अकेला था, ठीक है, और ऐसे कुछ करने को, जब स्ट्रीम वीम खत्म हो गई, सारा काम खत्म हो गया, कुछ करने को होता नहीं था, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज जस्ट ऐसी बीट लगा दी और कुछ भी ऐसे ही करके देख लिया, बस जस्ट टू एंजॉय. तो एक टाइम आया था 2018 में, नवंबर वॉज इट, जब मेरा ऐसे बहुत ही ना क्रिएटिव ब्लॉक आ गया था तगड़ा, कि मेरा माइंड भाग रहा था, मेरी बॉडी से ज्यादा तेज मेरा माइंड भाग रहा था, कि अगर मैं कुछ जैसे वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ तो मेरा मन कह रहा है कि गेम खेल लेते हैं, गेम खेलने बैठ रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है चल वीडियो बना देते हैं, और ये 2-2 मिनट के डिफरेंस में हो रहा है लिटरली. मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में ऐसे हॉप करता रहता था, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू काम डाउन कि ये जो साइकिल है ये टूटे कैसे भी करके, आई वॉज गेटिंग रेस्टलेस. तो उस टाइम पे मैं बिग बॉस पे वीडियो बना रहा था, और क्या कहते हैं, ऐसे हम बैठे, मैं बैठा हुआ था ऐसे, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे क्या कहते हैं एक छोटा सा पैरोडी गाना बनाते हैं बिग बॉस पे, तो मैंने वीडियो में भी डाला है. तो वहां जब मैंने बनाया तो मेरे को पता नहीं बहुत ही मजा आया, जब मैंने वो चीज हुई ना कंप्लीट हुई, उसकी सेटिस्फेक्शन हुई, बहुत ही मजा आया, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या कहते हैं एक और बाय प्यूडीपाई बनाया था मैंने, जो काफी सही चल गया था. फिर उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक इन अप्रैल और मार्च वॉज इट, या जो मेरा भाई है ही केम बैक, ठीक है, तो उसने बाय प्यूडीपाई सुना ये सब, वो कहता कि साथ में बनाते हैं तो ये क्या कर रहा है, तो तब से हम साथ में ही बना रहे हैं, और आई थिंक मोस्ट ऑफ इट जितना मुझे आता है ज्यादातर उसने सिखाया है. इतनी ऐसे ट्रेनिंग नहीं की है मैंने, आई वॉन्ट टू, मैं अभी सोच रहा हूँ करने का, बट अभी इतनी ट्रेनिंग की नहीं है मैंने, बट जो भी अभी जितना सिखाया वो उसने बहुत सही सिखाया, और आई कैन लिटरली सी कि कैसे इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे हिसाब किताब. तो आई वुड से कि म्यूजिक ना, जब तुम ऐसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो और तुम कर रहे हो, और फिर जब बहुत सही टेक निकलता है, तो वो जो फीलिंग है ना वो अनबीटेबल फीलिंग है, इट्स लाइक यू फील अलाइव जब वो फीलिंग आती है, तो वो बहुत सही चीज है. तो तब से म्यूजिक तो मतलब ऐसी चीज है कि मैं छोड़ ही नहीं सकता यार, इट्स लाइक वन ऑफ द एसेंशियल्स, जैसे कंटेंट क्रिएशन है वैसे म्यूजिक है मेरे लिए, एंड आई बिलीव आगे चल के इट विल बी अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ. Sure. अभी so you also recently planning to foray into Bollywood. तो उसके बारे में people are asking कि क्या ऑल plans हैं आपके? राइट ऑल राइट. ओके, सो बॉलीवुड में एक्चुअली जो रोल मैं कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, ठीक है, तो उसमें ऐसे कोई किसी और का रोल नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, मैं अपने आप को ही प्ले कर रहा हूँ. तो एक बेसिकली मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपना जो, ताकि मैं अपना एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर सकूँ, दिखा सकूँ और लोगों तक पहुँचे, एक्सपोजर बढ़ेगा. एंड मेरा मेन रीजन है कि मेरा करने का सिर्फ एक ही मेन रीजन था कि मेरे को एक्सपीरियंस लेना था कि क्या होता है,
कैसे करते हैं लोग, क्या होता है, एंड ओवरऑल क्या वहां पर लोगों का नेचर क्या रहता है, हाउ डू दे वर्क, और क्या क्या चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या वो बढ़िया कर रहे हैं, क्या वो बढ़िया नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें लोग. तो आई बिलीव लाइफ में जब तक कोई चीज को तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो अच्छी है कि बुरी है, वो कैसी है. एंड फ्रॉम बीइंग लाइक कितना, आई थिंक 15 दिन मैं वहां रहा हूँ अभी शूट में, अभी और भी है, बट अभी 15 दिन जहां मैं रहा हूँ, आई थिंक बहुत फन करते हैं ये लोग, बहुत मेहनत भी बहुत करते हैं, बट फन भी बहुत है. इट्स लाइक एक नशा है, इट्स लाइक थ्रिल है. जब मैं सुबह उठता था, इट्स लाइक मेरे दिमाग में कुछ ऐसे वेव्स आती थी, वो थ्रिल वाली वेव्स आती थी मेरे दिमाग में कि आज उठेंगे शूट करेंगे, अरे चलो यार मजे आएंगे, और दिमाग बिल्कुल तेज सब कुछ, और इतना क्योंकि हैपनिंग है ना हर जगह, तुम्हें ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता है. सो यू वेरी हैप्पी वाइल डूइंग इट, एंड इट इज वेरी सेटिस्फाइंग. ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं वेकेशन पे आया हूँ, पर साथ ही साथ काम भी हो. तो इन 15-20 दिन आई थिंक इतने सारे मतलब लोगों से भी मैं जो मिला, जो इंटरेक्शन हुई वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन हुई थी. आई 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 बिलीव कि आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट टू गो इन टू बॉलीवुड और नॉट, ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है, मतलब मेरा प्राइमरी एम नहीं है बॉलीवुड जाना है, ऐसा कोई सीन. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस, और जितना अभी एक्सपीरियंस किया आई एम वेरी हैप्पी विद इट, मेरे को बहुत मजा आया. श्योर. एंड आई मीन यू नो वैसे तो हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं. आई'ल सॉर्ट ऑफ टेक दिस वन कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस. तो श्योर समबडी इज आस्किंग कि आपके बहुत कंट्रोवर्सीज आती हैं सोशल मीडिया पे. यू नो आपके साथ बहुत कई बारी यू नो आपको देखा गया है दैट आप खुद काफी ज्यादा आपके साथ यू नो कुछ बहुत टॉक्सिसिटी चलती रहती है सोशल मीडिया पे. तो उसको कैसे हैंडल करते हो? यू नो मेंटली डू यू फील प्रेशर्ड बाय इट और डू यू फील दैट यू नो आई विल डू माय ओन थिंग एंड लेट पीपल से व्हाट एवर दे वांट काइंड ऑफ थिंग. सो व्हाट हैपेंड आई'ल टेल यू. लास्ट ईयर बहुत मतलब आई थिंक हेट रियली इफेक्टेड मी. मैंने मतलब ऐसे ऐसे किसी को बताया नहीं, और ऐसे सच मैंने ऐसे बोला भी नहीं कि इतनी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मेरे को खुद रियलाइज नहीं हो रहा था इफेक्ट कर रही है. मैं थोड़ा डिनाइल में था ऐसा कि नहीं नहीं मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, बट थोड़ा आई वुड से हाँ कर रही थी, वो काफी इफेक्ट कर रही थी, बिकॉज इतना सब कुछ रोलर कोस्टर की तरह घूम गया ना सब कुछ ही, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सर कहाँ है पैर कहाँ है किसी चीज के. एंड इट्स लाइक कि जितने लोग मेरे पे ओपिनियन रखते थे उसके 10 टाइम्स ज्यादा हो गए, तो एकदम से वो सारा एक्सपोजर लेना, वो एवरीथिंग, वो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है. तो आई वुड से कि जब तक मैं अपने काम से खुश हूं, जब तक मैं जो कर रहा हूं मुझे उसमें मजा आ रहा है, तब तक कोई क्या कह रहा है, किसी को क्या करना है, क्या सीन है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें मतलब ऐसे है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है, हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं, वेरी गुड, पर मेन चीज है कि मुझे मजा आ रहा है वो करने में, तो चाहे वो चीज अच्छी जाए या बुरी जाए मैं तो वही करता रहूंगा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है. तो वो चीज रहेगी. और हेट आई थिंक आई बिलीव सभी इफेक्ट एक ना एक बार तो हो ही चुके. मैं बहुत बार हूँ, जब मेरे साथ पहली बार हुआ था तो मैं लिटरली ऐसे कंबल ओढ़ के डिप्रेशन में था, अरे यार वीडियो अच्छी नहीं गई ऐसे था मैं प्रॉपर. बट ओवर द टाइम आई गेस तुम जितना अपने दिमाग को बिजी रखोगे ना, तो आई थिंक उतना हेल्प करती है ये सारी चीजें, तुम्हें लगेगा अरे ठीक है यार आगे बढ़ो, ये तो 50 बार सुन चुका हूँ मैं, कौन सी बड़ी बात है, चलो. इट्स लाइक कि बार बार लाइक कैरी गाली देता गाली, मैं कहा यार ये तो हो गया ना, कितने सालों से चल रहा है, जब से मेरी मूछें नहीं आई थी तब से चल रहा है, अब मूछें भी आ गई है मेरी, अब तो कुछ नया तो लो. तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैनेजेबल है, जब तक आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है. No, that's great, and I think the fact that you're able to differentiate करके आप अपने काम को positively फिर भी करते जा रहे हैं, I think that is really making all the difference, and it shows in your work. I mean, finally, I think a lot of people are also asking what are your future plans, and we'll end at that because we also have our award section. So, Right. what can we expect from Carrie Minati in future, and Ajay also? ठीक है, what you can expect, अब future, future infinite है, ठीक है, future ऐसे आज से कितने साल बाद भी हो सकता है, तुम ऐसे मत मेरे को बाद में ना प्रेशर मत डालना मेरे पे कि ये चीज अभी तक क्यों नहीं हुई, ठीक है. बट फ्यूचर में आई वुड से बहुत प्लान्स है यार, करना तो बहुत कुछ है,
बट एवरीथिंग टेक्स टाइम, बस वही बात है। आई थिंक एक चीज लोगों को बस समझनी चाहिए, कभी कभार थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग, बट ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अगर इम्पेशेंट भी हो रहे हो तो इट्स लाइक कि तुमने कोई चीज बनाई है जिससे वो लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। बट आई बिलीव थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, बिकॉज हम पे भी काफी प्रेशर आ जाता है और उसके चक्कर में काफी डिसीजंस होते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो आई बिलीव कि जब तक तुम्हारी चीज पूरी नहीं है कैसे भी है, तब तक पूरा टाइम लो अपना, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो फ्यूचर में म्यूजिक, आई वांट टू डू मोर म्यूजिक, आई वांट टू मेक माय होल एल्बम, ठीक है। एक मुझे एनिमेटेड शो करना है, वेब सीरीज करनी है, एनिमेटेड शो। आई वांट टू मेक माय ओन मूवी जिसमें नॉट नेसेसरली कि मैं ही एक्ट करूँ या मैं ही रहूँ, बट मैं लिखना चाहता हूँ एक मूवी जो आई वुड से जो हमारे सोशल नॉर्म्स है, इन सारी चीजें उनसे, मतलब ऐसी ऐसी मूवी होगी वो कि बहुत ही ज्यादा लोग ऑफेंड हो जाएंगे यार उससे। वो कुछ तो ऐसा, ठीक है, वो तो ठीक है. वो तो ठीक। आई जस्ट वांट कि जो आई जस्ट वांट टू शो द रियलिटी कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। जो लोग सिर्फ ऐसे मुंह फेर लेते हैं ना अपना कि ये चीज तो है नहीं, इट्स लाइक सोशल मीडिया वही गैप है कि तुम अपना मुंह फेर लो जो चीजें। इट्स लाइक सोशल मीडिया पे एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट, जो तुम्हें पता है कि तुम नहीं हो, कोई भी नहीं है। लेकिन जब कोई परफेक्ट नहीं होता है और थोड़ी सी गलती करता है तो उसकी लोग बैंड बजा देते हैं। तो दैट्स सोशल मीडिया, एंड आई बिलीव दैट्स हाउ यू शुड टेक इट वेरी लाइटली कि सोशल मीडिया पे जो भी हो रहा है, डोंट थिंक कि असली में वही हिसाब किताब है और वही सी चीजें हैं। सोशल मीडिया और रियल लाइफ में काफी फर्क है और वो फर्क मेंटेन होना चाहिए तुम्हारे साथ भी। डोंट कंसिडर सोशल मीडिया योर रियल लाइफ, डोंट, प्लीज डोंट डू दैट एवर। एनीवे मेरा पॉइंट क्या था, एनीवे, हाँ, सो अ मूवी, अ म्यूजिक एल्बम, अ वेब सीरीज एनिमेटेड, क्योंकि लोग बच्चा समझ, ऐसे बच्चा बच्चा करके बोलते हैं जब एनिमेशन की बात आती है। आई वांट टू शो देम कि एडल्ट एनिमेशन कैसी हो सकती है इंडिया में। उसके बाद बाकी देखते हैं यार अभी और क्या करते हैं। बाकी मेरा प्लान है 2023 में इलोन मस्क के साथ में मार्स पे जा रहा हूँ। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड मैं RSVP करवा दूंगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। वहां वीडियोस आ जाएंगे आपके वहां से. अरे क्यों नहीं आएंगी, उसको बोलूंगा ना कि यार इंटरनेट लगवा, डोंगल वोंगल लेके आ। क्या फालतू में ही रिचेस्ट मैन बन रखा है, कुछ लगाओ जुगाड़। नाइस. So over to you. Thank you so much, Kerry. I think Ajay, this is so much fun, and I loved talking to you. And I think as young as you are, we can expect so many more beautiful things coming from you. And look forward to a wonderful, wonderful time. We now going to move to the award section. I'm gonna hand it over to Bhavna to take this forward. Thank you so much, Ritu. Firstly, what a fun session that was, Ajay. Thank you so much. It was great hearing it, and I'm sure all the viewers, they've been commenting, they've been sending all these questions, and as you can see by all their replies, it was a great, great session. So thank you so much for joining. No Uh, worries, well, my Ajay and Miss Maria, we just request you to please stick around as we've got the next set of awards right now happening, and we'd love your encouragement through that. So, ladies and gentlemen, with this, let's move on to our next award. Could we have the awards on your stage and screen right now? And this is the time, ladies and gentlemen, at the Influencer Summit and Awards. Well, as you can see on the stage and screen right now, first up for the Influencer of the Year, and that goes to Carrie Minafi. Ladies and gentlemen, a huge, huge round of applause. Zoom pay awards. Absolutely love the energy. And Yes, Miss Maria. Absolutely So I love think it's the totally well energy. deserved for Ajay. Rajan, you want to say Your something voice on is. receiving the award? Oh, I would like to thank my mom and dad. I would like to thank my audience. एंड आई बिलीव ये सबका आशीर्वाद है, सबकी ब्लेसिंग्स है जो मैं ये चीजें कर पाता हूँ। आई वुड से कि सिर्फ ऐसे मेरा हार्डवर्क है, ये सबकी शक्तियाँ हैं जो मुझे मिल रही हैं, जो मुझे हिम्मत देती हैं मेरे सबसे लो टाइम्स में भी कि मैं जो भी बना रहा हूँ उसमें अपना 100% दे पाऊँ। तो आई थिंक उसमें ब्लेसिंग्स और ये सारी क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लविंग मी और इतना सारा प्यार देने के लिए। और ये तो अभी एक अवार्ड है, हम और भी लेंगे, बस प्यार बरकरार रहना चाहिए।
Absolutely. So we'll now request Carrie to sort of also facilitate some of our other award winners. And Subhavna, if you can take it ahead. Sure. Thank you so much. Ajay, firstly, congratulations once again. And now we move on to the next award, which is, ladies and gentlemen, the Rising Star of the Year. And that goes to Saloni Kaur. Ladies and gentlemen, virtual applause for the Rising Star of the Year. Congratulations right there. Saloni, thank you so much for giving us your valuable time, and we'd love to hear you on the stage and screen. Over to you. Saloni, can you hear us? Yeah, now I can. Okay, perfect. I'm saying we'd love to hear from you your word of acceptance on the award. Over to you. So, मैं हमेशा करंट इश्यूज जो भी चल रहे होते हैं कंट्री में उसी के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ. तो अब मैं यूजुअली सबकी तरह ये तो नहीं बोलूंगी कि आई वांट टू थैंक माय मॉम एंड डैड, दे ऑब्वियसली नो, बट आई वुड लाइक टू से आई वांट टू थैंक द पीपल ऑफ माय कंट्री कि वो ऐसी चीजें करते रहते हैं कि मैं हर दिन एक वीडियो उन पर निकाल सकूं. तो कीप ऑन डूइंग सच स्टूपिड थिंग्स और ऐसी अनोखी चीजें करते रहो जिस पर मैं अपना कॉन्टेंट लाती रहूँ. तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एंटरप्रेन्योर मीडिया टू ऑनर मी विद दिस अवार्ड. कांग्रेचुलेशंस Saloni. Thank you, Ritu. Thank you, Saloni, for joining us, and congratulations once again. Thank you. Well, ladies and gentlemen, with this, let's move on quickly to the next award. And as I request our team to put it on the stage and screen, as you can see, it is for the Distributor of the Year, and Disruptor of the Year, and that goes to Bhuvan Bam. Congratulations.